संपूर्ण देश भर में बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाई जा रही है। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए और अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मान वंदना देने के लिए और उनकी वीरता को सलाम करने के लिए शहर के सर्वपक्षीय नेताओं के साथ ही नागरिकों ने एक दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। एक दिया जवानों के नाम इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर नगर सेवक तथा कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुनील देशपांडे, विरोधी पक्ष गठनेते प्राध्यापक अनिल ठाकुरवार, गठनेते स्वामी एरोलवार, संजय गांधी निराधार योजना के अध्यक्ष सतीश धुटे, पूर्व नगर सेवक अशोक देशपांडे, भाजपा के शहर अध्यक्ष बादल बेले, शेतकरी संघटना शहर अध्यक्ष दिलीप देरकर, सुरेश धोटे, आनंद दाजरी, चंद्रशेखर सांदेकर, महादेव बोबड़े, सागर मटपल्लीवार, मधुकर जानवे, देठे बंडू बोढ़े आदि के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति थी। अमर जवान प्रतीकात्मक ज्योति के सामने मान्यवरों ने दीप प्रज्वलन किया, जिसके बाद उपस्थितों ने एक एक दिया जलाया। शहीदों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पण की गई। मान्यवरों ने इस समय अपना मनोगत व्यक्त किया। कूचना वसाहत के श्री गणेश मंदिर के प्रांगण में पंत प्रधान नरेंद्र मोदी इनके आह्वान को प्रतिसाद देते हुए कूचना वसाहत के एकता ग्रामीण महिला मंडल की ओर से एक दिया शहीदों के लिए यह कार्यक्रम लिया गया। सभी महिला सदस्यों ने एक दिया लेकर गणेश मंदिर में गर्दी की थी। इस समय श्री गणेश के सामने हमारी सेना के लिए प्रार्थना कर भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए। कई महिलाओं और पुरुषों ने रंगोली के माध्यम से शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण की। संचालन पूर्व नगर सेवक किरण सिंह चौहान ने किया। आपल्या राज्यामध्ये दिवाळी हा सण उत्साहाने साजरा करतो, परंतु देशाच्या सीमेवर लढणारे जे सैनिक आहे ते आपल्या प्राणाची आहुती देऊन आपल्या संरक्षण करीत आहेत। त्यांना मानवंदना देण्याकरिता, त्या शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता, त्यांना सलाम करण्याकरता आम्ही राजुरावासियांनी ठरवलेले आहे की एक दिवा त्यांच्या नावाने लावून हा एक दिवा देशाच्या जवानाच्या नावाने अर्पण करीत आहोत। कार्यक्रम की सफलता के लिए विवेक चौधरी, किरण सिंह चौहान, सुनील वडसकर, रमेश कुसारकर, किरण चौधरी, योगेश्वरी वडसकर, नामदेव उरकुड़े आदि ने अथक प्रयास किए।